मध्य प्रदेश के विधायक रामनिवास रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पैसे से टिकट देते हैं, अगर सुनवाई होती तो मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाता। वहीं उन्होंने कहा कि समय आएगा तब इस्तीफा दे दूंगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। रावत ने कहा कि कांग्रेस को जो करना है कर सकती है। सोमवार को दिग्गज नेता और विधायक रामनिवास रावत भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बड़ा बयान दिया है। रावत ने कहा कि जब समय आएगा तब इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस को जो करना है वो कर सकती है, मना किसने किया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठेंगे ही नहीं। समय आने दो, देख लेना विधानसभा सत्र प्रारंभ हो तो। नहीं, ना तो कोई मेरी शर्त थी, मेरी तो कांग्रेस ने यह शर्त थी कि कांग्रेसी को टिकट दो। कांग्रेसी को टिकट नहीं देते हुए एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जो सदस्य भी नहीं था, बीजेपी से विधायक रहा था। देखिए पार्टी को लेकर, इस पार्टी में जो लोग थे निर्णयों को लेकर थे, निर्णय जो होना चाहिए थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछ के होना चाहिए थी। पार्लियामेंट मुरैना का टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जिसने, मैं दो बार लड़ा, दोनों बार विरोध किया, बूथ कैप्चर किए, और वो उस दिन तक, जिस दिन तक टिकट दिया था उस दिन तक सदस्य नहीं। मैं जानकारी में तो ये भी आया है कि लेन देन करके टिकट दिया था। स्वागत देना चाहिए, जमीनी नेता को दे दे तो फिर कोई बात ही नहीं थी, देना चाहिए। दें जमीनी नेता, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, अभी तैयारी, अभी रिजाइन तो करने दो, समय आने दो वो भी हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विधायक रामनिवास रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पैसे से टिकट देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।